concerns over foreign interference as India-linked Hindu nationalist group targets Labour candidates. Activists directly linked to India's ruling Hindu nationalist party, the BJP, have vowed to campaign on behalf of the Conservative Party, raising concerns about attempted foreign interference in next month's UK general election. The campaign has alarmed some Labour Party MPs standing for re-election who say the prospect of foreign interference by religious hardliners could stir up inter-community tensions. The president of Overseas Friends of BJP UK told the Times of India his campaign group was planning to campaign in 48 marginal seats to help Conservative candidates. Shekhawat also said their campaign will target Britain's only two Sikh MPs, Tanmanjeet Singh Dhesi and Preet Gill, both of whom are Labour, and replace them with Conservatives. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि यूके विच हिंदू तवीज संगठना ते हिंदू मंदिरां वल्लों आंदियां चोणां विच ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ इस वे जे तुसी ये चार मुल्क जेडे एक विशेष रुतबा रखते हैं सिख पापूलेशन के लिहाज नाल भी और जिथे खालिस्तान का एक्टिविज़म है अमेरिका कैनेडा आस्ट्रेलिया और यूके और इस चों तुसी देखोगे कि भी हिंदू तवियां ने जेड़ा लंबे वक्त तो अपनी इन्वेस्टमेंट पहला तो इतने अमरीका च उन्होंने ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के थले ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो इन्ह का थोड़ा बहुत उत्थे असर वधना शुरू होया वाजपेयी की हुकूमत वेले शुरू हो गया सी। ईवन अमरीका दे विच उन्होंने एक एम्बेसडर एट लार्ज अग्निहोत्री लास्ट नेम सी पहला नाम उहदा नहीं एम्बेसडर एट लार्ज इस काम लई रखिया सी कि भी वह इत्थे बीजेपी दीआं जड़ां लाए। यही ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके दे विच भी और आस्ट्रेलिया च भी कैनेडा च भी फिर इन्होंने हिंदू तवियां ने जो अपने आप को अगों ऑर्गेनाइज करना शुरू किया पिछले 9 साल खास तौर पर जदों का भीशम अग्निहोत्री एम्बेसडर एट लार्ज जदों का ये मोदी आया तो इन्होंने फिर हिंदू मंदिरों को भी एक लड़ी दे विच परो के मंदिरों को भी पोलिटिसाइज किया और बहुत सारे जोड़े अक्षधाम मंदिर ने या दूजे हालां गुजरात दे विच मुख धारा हिंदू इन्हां नूं नेड़े नहीं लगण दिंदे क्योंकि ये अपने नूं मनदे ने जिन्हों भी अपना भगवान कहिंदे ने और इन्हां दे खिलाफ हिंसा भी हुंदी है गुजरात पर बाहर तुसीं देखोगे कि भी इन्ने वड्डे और मैनूं हमेशा ही लगदा हुंदा भी ये सारे राह दे अड्डे बनाए हुए ने उन्होंने क्योंकि ये जिहड़े अक्षधाम वाले ने रिलेटिवली न्यूट्रल जिहा शकल रखते हैं इन्हां दे विच कई वारी गोरे भी इन्हां दे जाल च फसदे ने और इन्हां राहीं इन्हां दे राह दे एजेंट ऑपरेट करदे ने और यही तुसीं देखोगे भी जिथे भी मंदिरों दे विच ग्रैफिटी का चक्कर आया कि जी खालिस्तान जिंदाबाद लिखता है या मोदी मुर्दाबाद लिखता है वो बहुते टारगेट अक्षधाम ही किए हुए हैं कोई होर मेन स्ट्रीम इन्हों के मंदिर ने। और आस्ट्रेलिया की पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो सामने आया कि उन्होंने कहा जी इट्स अ वर्क ऑफ हिंदूज दैमसेल्व्स इनसाइड हिंदूज। सो इस सारे दे चलदे तुहानूं ये नज़र आएगा कि भी पोलिटिकल प्रोसैस दे विच जे तुसीं पोस्ट 47 पॉलिटिक्स देखो ये जड़ियाँ लेबर पार्टियाँ सी जिवें इंग्लैंड दे विच लेबर पार्टी अमरीका च डेमोक्रेट पार्टी कैनेडा दे विच लिबरल पार्टी आस्ट्रेलिया दे ढांचे दा मैनूं नहीं पता उत्थे की सी ये सारियां ही प्रो इंडिया सी अगेंस्ट कलोनीअल और दूजे तीजे इंडिया नूं जे फ्रीडम वाला बिल भी लियांदा ते मिस्टर एटली उन्हां दी लेबर पार्टी सी। अमरीका दे विच ओह सिख हिंदू मुसलमान कोई भी उस खित्ते दे होण वो डेमोक्रेट पार्टी का ही हिस्सा होंदे सी क्योंकि ये रिलेटिवली लिबरल सी। कंजरवेटिव पार्टीज रेसिज्म और दूसरे तीसरे ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ पर ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ पर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ इसलिए उन्होंने और जो कंजरवेटिव पार्टीज ने उन्होंने रेसिजम भी एवी रेसिजम है ब्राह्मणिज्म उ सारा इन्हों हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का एजेंडा सो एवें नहीं मोदी ने लाख गुजराती इकट्ठा करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स अनअकाउंटेड मनी जी एम्बेसियां दी यूज़ करके अब की बार ट्रंप सरकार नारा उदा अमरीका शायद पहली बार होया भी पब्लिकली किसी सिटिंग प्रेजिडेंट के नाल बाहरला आके उस प्रेजिडेंट लिए कंपेन कर रहा है वोटा मंग रहा है और $1 मिलियन तो ज़्यादा न्यू जर्सी हिंदूज फॉर ट्रंप ने इकट्ठे करते फिर दिल्ली दे विच उदा जन्मदिन मनाउंदियां उहदे मूँह नूं जिहड़ा उह केक ला रहे ने उहदा बुत बना के हुण ये सारा पार्ट जिहड़ा उह अमरीका च भी यूके च कदे कोई सोच सकता है कि हिंदू तवी सर्टिफाइड जवाई उन्हों का मोदिया का और जिहड़ा प्राउड हिंदू है कंजरवेटिव पार्टी जो इस लैवल तक पहुँच जाए कि उसका लीडर बन जाए फिर लीडर ही ना प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर वो फ्लैंक करे अपना हिंदू होना जाके हनुमान जी की जय जय श्री राम मंदिर करे और जे वो 40 तो ज़्यादा एम पी उन्होंने कहन कि भी आ बंदा ब्रिटिश सिटीजन 6 साल तो अंदर डकिया इहदा इशू लै और उन्होंने अनगौलियाँ करे और जदों ईवन हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की गल बाहर आती है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहता है तो वो उत्थे बयान दे रहा कि इट वॉन्ट इफेक्ट द ट्रेड डील विद इंडिया इन स्पाइट ऑफ कि यूके जिहड़ा 5 आइज़ का प्रोमीनेंट मैंबर है इस तो असीं अंदाज़ा ला सकते हैं कि भी इन्हां ने किस हद तक अपनी जड़ां जिहड़ियां ने और यही हाल कैनेडा च है कैनेडा च भी पिछलियां इलैक्शनां वेड़े कंजरवेटिव पार्टी दे उत्ते बहुत इन्वेस्टमेंट की और समझते सी कि जी ये लिबरल जस्टिन ट्रूडो या NDP ये लिबरल इंडिया च रिलीजियस फ्रीडम्स दे जिहड़ा हनन दी गल करदियां ने जां दूजे ये वखरी कहानी है कि भाई भावें NDP दे कोल थोड़ियां 24-25 सीटां सी लेकिन उहदे ते बेस जस्टिन ट्रूडो दी हुकूमत ही दोबारा बनी हुण ये भी एक कारण है कि वो जस्टिन ट्रूडो नूं NDP नूं नाल जोड़ के बदनामी दा सिरा उन्होंने जिहड़ा वो बिल्कुल शुरू किया हुआ है क्योंकि ये कंजरवेटिव पार्टी नूं भी सूट करता है और यूके दे विच तो इस हद तक चले गए ने ऋषि सूनक दे थले क्योंकि मिस्टर कार्बियन जिहड़ा लेबर पार्टी का लीडर है वो कश्मीर के उत्ते भी गल करता है फार्मर मूवमेंट के वेड़े भी गल की तो 2 लेबर पार्टी के MP तनमनजीत सिंह ढेसी और बीबी प्रीत कौर गिल जिन्हों ने हर इशू के उत्ते जिहड़ा ह्यूमन राइट्स का सिखां का कश्मीरियां का मुसलमानों का विदन जे हिंदुओं का भी होए वो एक आवाज़ ने हुण किस हद तक ये मंदिरां दे नैटवर्क नूं हालां मंदिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशनस ने कदे सिखां दे गुरुद्वारियां च कांग्रेसमैनां लई फंड कलैक्ट नहीं हुंदे जां गुरुद्वारे कदे हदायत नहीं करदे जी वोट फलाणे नूं पाओ हाँ गुरुद्वारियां च सद के ऑनर किया जाता है वो किसी भी पार्टी का होए कदे किसी गुरुद्वारे च नहीं होया कि कंजरवेटिव वाला आ सकदा जां भावें गुरुद्वारे के प्रेजिडेंट सैकटरी की जिहदे नाल मर्जी जिहड़ी है सांझ होए मेयर दा होए दूजा होए लेकिन हुण ओपन डेमोक्रेसी पब्लिकेशन ने एक स्टोरी बड़ी डिटेल की है जिसका हैडलाइन ही है कंसर्नस ओवर फॉरेन इंटरफेरेंस एज इंडिया लिंक्ड हिंदू नैशनलिस्ट ग्रुप टारगेट्स लेबर कैंडीडेट्स कि ये जड़ा हिंदू नैशनलिस्ट ग्रुप है उन्होंने किमें टारगेट किया और ये यूके दे विच कंसर्न है कि भी ये तो इलैक्शन लॉ भी फ्लोट हो रहे हैं और दूसरा और इन्होंने ये कहदा एक्टिविस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू इंडियाज रूलिंग हिंदू नैशनलिस्ट पार्टी द BJP हैव वाउड टू कैंपेन ऑन बिहाफ ऑफ द कंजरवेटिव पार्टी रेजिंग कंसर्न्स अबाउट अटैम्प्टेड फॉरेन इंटरफेरेंस इन नेक्स्ट मंथ्स यूके जनरल इलैक्शन यूके च अगले महीने चोणां होण जा रही ने ऑलरेडी कैनेडा च इंटरफेरेंस मर्डर तक पहुँच गई हुण यूके चो किवें उन्हां दा कैंपेन हैज़ अलार्मड सम लेबर पार्टी MP स्टैंडिंग फॉर री इलैक्शन हू से द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस बाय रिलीजियस हार्ड लाइनर्स कुड स्टर अप इंटर कम्यूनिटी टेंशनस कि ये जिवें हुण हिंदुत्ववाद का एजेंडा अगे लिया रहे हैं ये बहुत टेंशनस क्रिएट करेगा दूसरी कम्यूनिटी के नाल। और उन्होंने क्या भी ऑलरेडी जुलाई कैनेडियन ऑफिशियल्स ने वार्न किया सी कि भाई पोटेंशियल इलैक्शन इंटरफेरेंस फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट इन कैनेडाज अपकमिंग इलैक्शंस, कैनेडा का हवाला दिता गया। और ऑन ट्यूजडे द प्रेजिडेंट ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके टोल्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हिज कैंपेन ग्रुप was planning to campaign in 48 marginal seats to help conservative candidates. Overseas friends of BJP Times of India ने कहा जी 48 सीटा जड़ियाँ ने उजार है जिथे लेबर पार्टी के कैंडीडेट ने मार्जिनल उत्थे असी जड़ा वो कंजरवेटिव कैंडीडेट ले काम करांगे। We have a team in each constituency which is going round with the Tory candidate leafletting, speaking to people and persuading them to vote Tory। कि असी 48 सीटा मार कीतियां ने जिन्हां साडे असी उन्हां दे फ्लायर लैके जावांगे, लोकां नूं कहांगे कि टोरी नूं जिहड़ा वोटां पाउण। और ये कुलदीप सिंह शेखावत उन्हां दे प्रेजिडेंट दा कहना है। फिर उन्होंने कहा जी इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजल फॉर ए ग्रुप एक्सप्लिसिटली टाइड टू ए फॉरन पोलिटिकल पार्टी, हुण बीजेपी फॉरेन दी पार्टी है, टू ओपनली डिक्लेयर इट्स इंटेंट टू कैंपेन फॉर ए स्पेसिफिक ब्रिटिश पोलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग एन इलेक्शन। हुण शेखावत आल्सो सैड देयर कैंपेन विल टारगेट ब्रिटेन्स ओनली 2 सिख एमपीज तनटेसी एंड प्रीत गिल, बोथ ऑफ हुम आर लेबर, एंड रीप्लेस दैम विद कंजरवेटिव्स। ये हुण टारगेट करके कह रहा भी असी यकीनी बनावांगे कि इन्हां दोनों नूं असीं हराइए और कंजरवेटिव पार्टी दे जिहड़े ने वो उन्हां उम्मीदवारां नूं जिताइए और बाकियां दे भी फिर नां ने जिन्हां नूं ये हराण दे लई उन्हां ने किहा। और ये 1992 दे विच ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बनी और ये इन्हां दा मेन मकसद है टू स्प्रैड ए पॉजिटिव मैसेज ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन इंडिया। और हुण क्योंकि रीसेंट जिहड़ी कंट्रोवर्सी चली है और कश्मीर के मुद्दे ते और दूसरे तनमनजीत सिंह ढेसी उन्होंने भी स्टेटमेंट है कि भी ये बड़ा खतरनाक है कि इंटरफीयर कर रहे हैं अंदरूनी मामलों च। और ईवन इस दे उत्ते वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन दे जसकरण सिंह ने क्या टॉप कैनेडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कन्फर्मड वट द सिख कम्यूनिटी हैज़ ऑलवेज नोन दैट इंडिया करंटली अंडर बीजेपी रूल इज़ यूजिंग कम्यूनिटी प्रेशर, मीडिया मैनिपुलेशन and other tactics to pressure and malign the Sikh community in the hopes of influencing the outcome of another country's election results। कभी ये कर रहे हैं। और फिर even charity commission उन हिंदू temples ने campaign also raised concerns at charity commission। शेखावत ने कहा कि जी असी बीजेपी overseas friends of BJP ने we had been in talks with Hindu temples in UK about campaigning on behalf of conservative candidates too। और ये पर ये सारे टेंपल तो रजिस्टर्ड चैरिटीज़ ने उन्हें कहा जी असी मंदिरों के नैटवर्क राही भी ये गल करांगे कि भी जेड़े ये जड़ा कंजरवेटिव कैंडीडेट्स नूं जताया जाए। और इस दे उत्ते ईवन द चैरिटी कमीशन ने ऑलरेडी 2015 और 2017 च नैशनल काउंसिल ऑफ हिंदू टैंपल्स नूं वार्न किया सी क्योंकि उन्होंने ईमेल कढ़ियां सी कि हिंदूज टू वोट कंजरवेटिव, उन्होंने कहा सी तुसी कंजरवेटिव पार्टी लई पाओ। हुण इस तो असी अंदाज़ा ला सकते हैं कि किस हद तक इंटरफेरेंस और जे ट्रांसनैशनल रिप्रैशन दी कोई क्लीयर उदाहरण है इस वेले ते वह इंडिया उन्हां दीयां एजेंसियां ने और ईवन उन्हां दे पोलिटिकल विंग किवें जिहड़े ने वह इन्हां मुल्कां दे अंदरूनी मामलियां दे विच दखल अंदाजी कर रहे हैं। जी राज साहब, थोड़ा बहुत शुक्रिया। साथ ब्रेक व्यूअर्स, तुसीं कितने जाना, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।